हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन एकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी पी हिंदी तो चलिए आज अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें खासकर आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्लॉगिंग क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण आज हम बात करेंगे यूएन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स क्या हैं किस किस को मिला है कैसे स्टार्ट होता है इन सब चीजों की बात की जाएगी और साथ साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं दिस इज एस के शर्मा आई हैव ए फाइव ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आई एव पी एम्स यूपीएससी इंटरव्यू फोर टाइम्स एग्जाम एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड आर एस एग्जाम क्लासेस के शेड्यूल आपको पता है टेन थर्टी ट्वेल्व और टेन पी एम अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप के माध्यम से अन का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से देन गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दो वन ईयर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फोर्टी थाउजेंड में ले सकते हो और टू ईयर सब्सक्रिप्शन है फोर्टी एट थाउजेंड में बिकॉज यहाँ पर आपके हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है तो इस डिस्काउंट का फायदा उठाओ सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट है और इसमें तुम्हें और फायदा मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट एस एस लाइव के साथ एस एस लाइव रेफरल कोड यूज करो और टेन परसेंट का डिस्काउंट और मिल जाएगा और फोर्टी थ्री थाउजेंड तियालीस हजार दो सौ में पूरे दो साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो ओनली आपको दिन पड़ रहे हैं एट्टीन हंड्रेड पर मंथ तो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन करो और वन ईयर सब्सक्रिप्शन आपका एक्स्ट्रा दस परसेंट डिस्काउंट वही एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ छत्तीस हजार में आप इसे ले पाएंगे तो इस तरीके से आप ईयर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कंप्लीट करंट अफेयर्स करना है तो आप हमारा अनएकेडमी पर उपलब्ध जो कोर्स है उसे ज्वाइन करो वहां पर आपको कंप्लीट टू इयर्स के करंट अफेयर करवाए जा रहे हैं एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ प्लॉगिंग से अब ये मोदी जी की प्लॉगिंग क्या है जिसने आपको याद करने पे मजबूर कर दिया देखो प्लॉगिंग क्या होती है प्लॉगिंग दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है एक स्वीडिश वर्ड है स्वीडन का एक वाक्यांश है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है एक है आपका प्लोका आप और दूसरा है जॉगिंग इन दोनों को जॉगिंग प्लस प्लोका इन दोनों को मिलाकर बना है प्लॉगिंग यानी कि जब तुम जॉगिंग करते हो तो आसपास जो तुम्हारे कचड़ा फैला हुआ है जॉगिंग करते वक्त उसे उठा लो प्लो आप कर दो प्लास्टिक को उठा लो तो ये आपका प्लॉगिंग कहलाएगा तो ध्यान रखिएगा प्लॉगिंग क्या है एक अंतरराष्ट्रीय फिटनेस की प्रवृत्ति है इट इज ए इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेंड जिसमें टहलने के साथ साथ कचरे को उठाया जाता है और यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कहां पर मामलापुरम के समुद्र तट पर अपने सुबह की सैर के दौरान कचरा उठाते हुए पाए गए और इसी को प्लॉगिंग कहा जाता है तो प्लोका प्लस जॉगिंग इट इज प्लॉगिंग तो इस चीज को ध्यान रखिएगा प्लो का प्लस जॉगिंग इट इज द प्लॉगिंग तो यूपीएससी तुमसे पूछ सकती है कि प्लॉगिंग क्या है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्लॉगिंग आपका क्या है और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में स्वीडिश प्रवृत्ति है तो स्वीडन में ही हुई होगी और किसने की थी एरिक एरिक है आपका है आपका एहलस्टम एरिक एहलस्टम ने इसको शुरुआत की थी और अपने कार्य पर जाते वक्त एरिक ने सड़क पर फैले हुए कचरे को धीरे धीरे उठाना शिव की आदत बना ली और जब भी वो ऑफिस जाता था तो सड़क से कचरा उठाते उठाते जाता था तो इसी को आपके प्लॉगिंग कहा गया आपके प्लॉका प्लस जॉगिंग तो इसे आपके एक व्यायाम के रूप से भी लिया गया और स्वीडन में ये आंदोलन पूरा मीडिया ने सोशल मीडिया ने पूरे विश्व में फैला दिया और उसी का अनुसरण कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरे राष्ट्र में ये प्लॉगिंग करने की आपकी सलाह दे रहे हैं तो सुबह सुबह जब टहलने जाओ तो कचरे को भी उठा लेना सेहत की सेहत बन जाएगी और कचरे का कचरा साफ हो जाएगा तो दोनों हमारे इससे ये फायदे होंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा इसका दोनों जगह प्रभाव होगा पर्यावरण भी शुद्ध होगा और आपकी फिटनेस से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी इससे बहुत अधिक स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है क्योंकि देखिए व्यायाम तुम करते हो तो बॉडी को एक तरफ से ही स्ट्रेच करोगे एक डायरेक्शन में ही कर सकते हो पर आप कचरा वगैरह उठाओगे कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा एनर्जी जाती है तो इसीलिए उसको प्लॉगिंग कह दिया जाता है तो इस तरीके से आपके एक सामाजिक भावना भी पैदा हो जाएगी और स्वच्छ भारत अभियान भी आपका बेहतर तरीके से हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा मोदी जी का प्लॉगिंग पूछा जा सकता है तो प्लो का आप मतलब प्लास्टिक यानी कचरे को उठाना प्लस आपके जॉगिंग ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे तो प्लॉगिंग समझ में आ गई अगला टॉपिक है हमारा एलिफेंट एंडो थ्री लियोट्रॉपिक हर्पीज वायरस एक वायरस है जिसने एलिफेंट को परेशान कर रखा है और खासकर उड़ीसा का जो हमारा मोस्ट फेमस जूलॉजिकल पार्क है पार्क सभी को पता होना चाहिए एंड आपने एनवायरमेंट के बेसिक पढ़ लिए हैं जुलॉजिकल पार्क इज एक्स टू कंजर्वेशन एरिया जहां पर आपके पर स्थाने बाह्य स्थान पर आपके जीव जंतुओं को संरक्षित संरक्षित रखा जाता है उसी को ही आपके एक्स टू कंजर्वेशन कहा जाता है ये कोई प्राकृतिक आवास नहीं होता बस कुछ जीव जंतु जो नष्ट होने वाले हैं उनके कुछ स्पेसिमेन कुछ जीन कुछ जीव जंतुओं को यहां संरक्षित रखा जाता है और उसमें हमारे इंडिया का मोस्ट फेमस जुलॉजिकल पार्क है उड़ीसा का नंदनकानन तो उड़ीसा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में आपके एलिफेंट एंडोथ हर्पीज वायरस की वजह से पांच पांच हाथियों की मौत हो गई और ये जो हाथी है ये जो आपके वायरस है वो हर्पीज वायरस इसलिए कहलाता है क्योंकि मेनली ये जवान हाथियों को अटैक करता है हर्पीज यानी कि जो युवा हाथी हैं जो आपके एक वर्ष से बारह वर्ष के जो युवा हाथी हैं उन पर ज्यादा ये घातक होता है इसीलिए इस वायरस को हरपीज वायरस कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा ये जो एलिफेंट एंडोथ हर्पीज वायरस है यह आपका एलिफेंटिस आपका बीटा बीटा हेरपी हेरपीज है, वायरस है ये आपके एक तरीके से ई एच वी इचवी वायरस है ये आपका जिसके अंतर्गत आपके एशियाई हाथियों हाथियों के लिए बहुत ज्यादा रक्त स्त्राव की बीमारी है इसमें क्या होता है आपके शरीर से रक्तस्त्राव होने लग जाता है शरीर की जो नलिकाएं होती हैं, वहां से आपके रक्त निकलने लग जाएगा और उस वजह से ये सारे जो युवा एशियाई हाथी हैं, उनकी मृत्यु होने लग जाएगी और जब अंदर ही आपके शरीर के अंदर ब्लड वेसल से वाहिकाओं से रक्त बाहर निकलने लग जाएगा तो फिर आंतरिक रक्त की वजह से मृत्यु हो जाती है और इसके अंदर आपके जब आपके शुरुआत होती है इस वायरस की तो उसमें हाथियों को भूख कम लगने लग जाती है हाथियों के नाक से पानी निकलने लग जाता है और जो सूजी हुई ग्रंथियां हैं वो सब दिखने लग जाती हैं और अभी तक इस हरपीज वायरस का जानवरों में भी और मनुष्यों में भी जब यह हरपीज वायरस आता है तो इसका कोई भी इलाज अभी तक हमें पता नहीं लगा है क्योंकि ये क्या होते हैं गुप्त रूप से आते हैं शरीर के अंदर ही रक्त स्त्राव होता है तो कई लोगों का ऐसा लगता है कि ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा है ऐसे ही अजीब सी सूजन हो गई है तो ध्यान नहीं दिया जाता इस वजह से ये लैटेंट होते हैं गुप्त होते हैं और ये बहुत कम अवधि की बीमारी है यानी कि आप फटाफट जल्दी से ही उपचार कर लो नहीं तो मृत्यु हो जाएगी क्योंकि कम अवधि की बीमारी है फट जल्दी से आपके रक्त स्त्राव होता है और हाथी मर जाते हैं इसीलिए एलिफेंट एंडोथ हर्पीज वायरस बहुत ज्यादा घातक होता है तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी नंदकानन जूलॉजिकल पार्क की क्यों ये फेमस है क्यों मैंने ये कहा कि आपके भारत के प्रसिद्ध जूलॉजिकल पार्क में ये आता है क्योंकि तो जैसा कि इसका नाम है नंदन कानन सभी को पता हुआ होगा कि नंदन कानन आपके जो वन है वो आपके जो कृष्ण भगवान है उनके वन से संबंधित है तो आपके ये गार्डन ऑफ हेवन है स्वर्ग के वन को आपके नंदन कानन कहा जाता है ये उड़ीसा के अंदर आपके भुवनेश्वर के पास स्थित है और यह आपके अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत ये जंग आपके पार्क जंगल के अंदर बना हुआ है जो आपके चिड़ियाघर होते हैं वो थोड़े अलग जगह होते हैं पर ये आपके जंगल के अंदर ही ये नंदन कानन बना हुआ है और ये माना कि आपके एक्सीटू कंजर्वेशन है परिस्थान है परंतु पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में ही बना हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भारत का एक मात्र जूलॉजिकल पार्क है ये जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम के अंतर्गत आता है हमारा जो वाजा है वाजा क्या है आपके वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूलॉजिकल एंड एक्वेरियम जूज एंड एक्वेरियम उसके अंदर हमारे पूरे भारत में सिर्फ एक ही जूलॉजिकल पार्क है जो इसके अंतर्गत आता है और वो है आपका नंदन कानन तो इसीलिए ध्यान रखिएगा नंदन कानन इज द ओनली वन जूलॉजिकल पार्क जो आपके आपके वाजा के अंतर्गत आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जैसे कि इसकी फोटो देख रहे हो तो ऊपर तुम्हें सफेद टाइगर दिख रहा है जो आपको ऊपर सफेद टाइगर सफेद बाग नजर आ रहा है वो केवल यहीं पर है और कहीं तुम सफेद बाग नहीं देखोगे कहीं पर भी तुमने स्नो लैपर्ड को जरूर देखा होगा वो सफेद आपका हिम तेंदुआ है वो ऊपर हमारे मिलता है हिमालय के गिरिपाद में वो आपके तेंदुआ है केवल सफेद बाघ है और उसका भी जीन है आपका जिसको हमने आई के थ्रू यहाँ बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में सफेद भाग आपको नंदन कानन में ही देखने को मिलेगा और कहीं आपका नहीं मिलेगा तो नंदन कानन के अंदर आप ध्यान रखो वाइट टाइगर मिलते हैं क्या मिलते हैं व्हाइट टाइगर मिलते हैं इसके साथ साथ मेलेनिस्टिक टाइगर भी यहाँ पर मिलेंगे थोड़े बहुत आपके मेलेनिन कलर के आपके टाइगर मिलेंगे और ये आपके पूरे विश्व का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जिसने आपका आई टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से सफेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर का प्रजनन किया पूरे विश्व में पहला ऐसा चिड़ियाघर है जहां पर व्हाइट टाइगर को बनाया गया उसका प्रजनन किया गया मेलेनिस्टिक टाइगर के और मेलेनिस्टिक टाइगर को भी किया गया तो इसीलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फिर हमने इंडियन पेंगुलिन की बात की जिसका आपके अवैध व्यापार हो रहा है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी तो एकमात्र विश्व का ऐसा जगह है ये जहां पर भारतीय पेंगोलिन को संरक्षण मिला हुआ है इसीलिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो आपके ये जो वाइट टाइगर मिलता है उसको भी पहले यहां पर एक्सीटू कंजर्वेशन के थ्रू प्रजनन करवाया गया वैसा ये आपका पहली बार का विश्व का आपका जूलॉजिकल पार्क है दूसरा भारतीय पेंगोलिन को संरक्षण भी यही दे रहा है और तीसरा आपके हमारे जो वाइट बैग्ड वल्चर हैं जो कि आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं वो उन्हें जिनकी आपके पंखों के पीछे का जो एरिया है वो सफेद होता है वाइट बैग्ड वल्चर वो भी आपके क्या है यहीं पर संरक्षण को प्राप्त करते हैं हमारा विश्व में पहली बार 1980 में नंदन में जू आपका जूलॉजिकल पार्क है वो घड़िया घड़ियालों को कैद रखा गया था यहाँ पर पर फिर उसको प्रतिबंध लगा दिया था तो हमारे पहला ऐसा जूलॉजिकल पार्क जिस पर प्रतिबंध लगा वो भी यही है तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, है ना तो इसीलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो ध्यान रखिएगा आपके वाइड वेग वर्ल्चर सबसे इंपॉर्टेंट आपका वाइट टाइगर इसीलिए आपके बिल्कुल इसके मेन गेट पर आपके अच्छी सी फोटो बना रखिए वाइट टाइगर की ताकि लोगों को पता लग जाए तो क्योंकि वाइट टाइगर पूरे विश्व में पहली बार प्रजनन इसी चिड़ियाघर में हुआ था आपका तो इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वाजा में भी आता है इसीलिए हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट जूलॉजिकल पार्क है और जूलॉजिकल पार्क बोटेनिकल गार्डन्स ये सब क्या होते हैं एक्सी टू कंजर्वेशन होते हैं पर स्थान आपके संरक्षण किए जाते हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा चलिए अब अगला एक टाइगर रिजर्व है जो बहुत न्यूज में है टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में है क्योंकि तो पिछले 11 सालों से मध्य प्रदेश कोशिश कर रहा था कि हमारे इस टाइगर को टाइगर रिजर्व इस क्षेत्र को हमारे टाइगर रिजर्व बना दिया जाए बाघों के लिए संरक्षण की स्थली बना दिया जाए पिछले 11 साल से मध्य प्रदेश कोशिश कर रहा था और अब इसका अंतिम रूप स्टार्ट हो गया है क्योंकि तो मध्य प्रदेश सरकार ने आपके रातापानी टाइगर रिजर्व को आपके इसके कोर और बफर क्षेत्रों को घोषित कर दिया है और अंतिम समिति गठित कर दी है तो अब यह आपके टाइगर रिजर्व बन जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि आपके मध्य प्रदेश में होगा और यह आपके मध्य प्रदेश के भोपाल रायसेन वन प्रभाग के आठ सौ वन किलो किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग चालीस टाइगर है चालीस आपके बाघ है यहाँ पर और इसके अलावा भोपाल के क्षेत्र में करीब आपके टाइगर्स और आते जाते रहते हैं इसीलिए इसको क्या किया है आपके टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया है और सभी को पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है में लागू हुआ था ठीक है तो ये चीज ध्यान रखेगा प्रोजेक्ट टाइगर आपके 1973 में स्टार्ट हुआ था और प्रोजेक्ट एलिफेंट किसी <laughs> को याद है प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा स्टार्ट हुआ था 1992 में उन्नीस में हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था तो इस चीज को ध्यान रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट आपके आपके टाइगर कब स्टार्ट हुआ तो देखिये राता पानी आपके कुछ इस जगह मिलेगा ये आपके राता पानी की जगह है यहां पर आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है बाकी आपके और भी महत्वपूर्ण कई टाइगर रिजर्व के नाम आपने जानने ही होंगे जैसे कि बांधवगढ़ छत्तीसगढ़ का वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके तो ये हमारा नया टाइगर रिजर्व है इसलिए यूपीएससी पूछ सकता है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व से संबंधित राज्यों का मिलान करो तो तुम्हारे पन्ना और रातापानी दोनों कहां पर है आपके मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ जो कई बार पूछा गया है ये आपको पता है कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में है आपका नीचे का जो बांदीपुर है जो हम करवा चुके हैं बांदीपुर कहाँ है कर्नाटका में है तो ऐसे चार पांच टाइगर रिजर्व लिए जाएंगे और फिर तुमसे राज्यों का मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो ध्यान रखिएगा रात नया बना है और आपके मध्य प्रदेश में है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अब आपके जो है रातापानी टाइगर रिजर्व है ये आपके कौन कौन से एरिया में रायसेन सीहोर और भोपाल जिलों के अंतर्गत 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और यहां पर जो बफर जोन बनाया है 1500 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और जबकि 2000 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन के रूप में नामित इसे किया गया है तो यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर बाघ संरक्षण में समस्याएं थी इसीलिए यहां पर ज्यादा दूर जोर दे रही थी पिछले 11 साल से मध्य प्रदेश सरकार क्योंकि तो यहां पर क्या है अवैध माइनिंग बहुत हो रही है आपके इलीगल माइनिंग अवैध खनन यहां पर बहुत ज्यादा किया जा रहा है दूसरा आपके अवैध शिकार की भी समस्याएं हैं तो जैसे ही ये टाइगर रिजर्व बनेगा तो दोनों चीजें रुक जाएंगी प्रकृति का संरक्षण हो जाएगा इसी चीज की वजह से यह बहुत ज्यादा आपके महत्वपूर्ण हो जाता है एक तो अवैध खनन और अवैध शिकार की दोनों समस्याएं आपके रातापानी टाइगर रिजर्व में कंट्रोल हो जाएंगी और इसको करता कौन है आपके जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को चलाने वाली मेन बॉडी कौन है वो है आपके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तो आपके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन एन क्या है एक नियम कानून से बनी है इसीलिए आपकी एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है एक वैधानिक संस्था है और इसका जो मेन मिनिस्ट्री है कौन सी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अफेयर जो जो आपके पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एम ओ एफ सी सी इसके द्वारा बनाई गई एक संस्था है ये अब किस अधिनियम के तहत आपके एनटीसीए बनाई गई होगी वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर वर्ष 2006 के अंदर ये आपके संशोधित कर कर हमारे एनटीसीए की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई और इसकी पहली बैठक आपके नवंबर 2006 में हुई थी तो इस चीज को ध्यान रखिएगा एन टी सी सी ए भी आपसे पूछा जा सकता है जिस बच्चे को नहीं पता कि पी डी एफ कहाँ मिलती है उसे बाकी स्टूडेंट्स बता देंगे और ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें पी डी एफ मिलेगी एट द रेट एस के शर्मा लिखो सर्च में जाओ टेलीग्राम के वहां पर स्मॉल लेटर्स में लिखो बिना कोई स्पेस छोड़े ग्रुप तुम्हें मिल जाएगा उसे ज्वाइन कर लो वहां पी डी एफ अवेलेबल है ठीक है तो उसे देख लीजिएगा तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो ये है आपका एन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो ये पूछा जा सकता है तो इसलिए ध्यान रखना चलो अब एक चीज तो आपने बहुत हल्ला हुआ था अक्टूबर में हमारे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था तो हमारा भारत क्या है अब प्लास्टिक मुक्त भारत बनना चाहता है 2022 तक आपके भारत प्लास्टिक मुक्त भारत बनना चाहता है तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है क्या उसके नुकसान है और क्या उसके फायदे हैं वो आपको पता होना चाहिए तो देखिए आपके केंद्र सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की मुहिम स्टार्ट कर दी है उसको हतोत्साहित किया गया है दो अक्टूबर उन... 2019 यानी कि गांधी जयंती से ये स्टार्ट हुआ और वर्ष 2022 तक गांधी जयंती पर ही 2022 तक देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बिल्कुल खत्म करना है उसको बंद करना है उसको बैन करना है ये हमने मुहिम स्टार्ट कर दी है और इसकी शुरुआत आपके देश के शहरों गांवों और सभी जगह की जा रही है क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के भारत के टॉप टेन में से भारत आपके विश्व के प्रदूषित सबसे ज्यादा शहरों में गिना जाता है हमारे तीन से चार शहर ऐसे हैं जो टॉप टेन वर्ल्ड पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर आ रहे हैं तो उसे हमें खत्म करना है तो इसीलिए आप देख सकते हो कि अगर जैसे हम अभी प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं तो दो तक हमारे पास बारह बिलियन टन प्लास्टिक के कूड़े के ढेर होंगे तो प्लास्टिक और हमारे खासकर ये जो प्लास्टिक है वो 79 परसेंट आपके गड्ढों में दबाई जाती है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती उस वजह से आपके जलाया जाता है तो हानिकारक गैसें निकलती हैं तो इसीलिए हमें इस प्लास्टिक को बंद करना होगा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना पड़ेगा और इसीलिए आपके कैक्टस से नागफनी से आपके प्लास्टिक बनाने का तरीका आपके कनाडा मेक्सिको के कुछ साइंटिस्ट ने बना लिया है उसको हम फ्यूचर में प्लास्टिक की जगह यूज करने की सोच रहे हैं कि हम जो हमारे पास थार की जगह कैक्टस भी काफी है तो वहां से हम उसे उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कैक्टस की आपके पॉलिथीन बना लेंगे तो वो हमारा क्या करेगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा तो उसे हम आसानी से निस्तारित कर सकते हैं तो ये जो प्लास्टिक मुक्त भारत है ये आपके सिंगल यूज के जो प्लास्टिक है जैसे कि तुम्हारे पॉलिथीन के बैग हो गए कप प्लेट डेली डिस्पोजल्स जो तुम यूज करते हो स्ट्रॉ वगैरह जो यूज करते हो वो सब आपके क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कहा जाता है जिस पर आपके देशव्यापी प्रतिबंध लग गया है दो से कि अब धीरे धीरे ये आपके जो विनिर्मित उत्पाद है इनके उन्हें भी कम किया जाए और आयतित करना हो वो भी आपके कम किया जाए बंद कर दिया जाए उस पर भी प्रतिबिंब है।, है आपका एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का तो ध्यान रखिएगा एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो भी आपके कंपनियां जो भी आपके कारखाने आपके प्लास्टिक का निर्माण कर रहे हैं उन्हें अपने उत्तरदायित्व को एक्सटेंड करना पड़ेगा कि तुमने जितने टन आपके प्लास्टिक का उत्पादन किया, उसका कम से कम से पिचहत्तर प्रतिशत खुद ही निस्तारण करना होगा उसके लिए प्लांट लगाओ कैसे प्लास्टिक का तुम निस्तारण करोगे तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ाओ और आपके प्लास्टिक के उपयोग को आपके कम करो या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको निस्तारण के लिए भी आपके कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करो जैसे कि हमने आपको पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी तो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है उसमें आपके जो भी पॉल प्लास्टिक है उससे वेस्ट से अपशिष्ट पदार्थों से कचरे से आपकी ऊर्जा बनाई जा रही है तो वैसे ही पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के जो संयंत्र लगे हैं उसे लगाओ अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाओ अपनी आपके जो जिम्मेदारी है उत्तरदायित्व है उसको एक्सटेंड किया जाए इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी उत्तरदायित्व का विस्तार हो विस्तारवादी उत्तरदायित्व अपनाया जाए तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो इस चीज पर भी ध्यान रखेंगे डेफिनेटली इस सारे काम को करने वाला मंत्रालय क्या होगा एमओ आपके पर्यावरण वन आपके पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वही आपके ये काम करेगा तो ध्यान रखिएगा एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है 2022 तक हमें बंद करना है इसको तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर आपके कौन कौन से उत्पाद आते हैं सिंगल यूज जो कि एक बार ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा बस वगैरह में तुम सफर करते हो ट्रेन में सफर करते हो पानी पीते हो और फेंक देते हो बोतल को वो कचरा बहुत इकट्ठा होता है और सबसे ज्यादा समुद्रों के अंदर यही प्लास्टिक आपके माइक्रो प्लास्टिक्स के इशू करता है माइक्रो ब्रिड्स हम आपको पढ़ा चुके हैं माइक्रो प्लास्टिक्स पढ़ा चुके हैं तो वो सब इन्हीं की देन है तो इसीलिए आपके इन सभी के कामों को रोका जाए परंतु ध्यान रखिएगा इसके कुछ लाभ भी हैं जैसे कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो आपके संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को रोकते हैं क्योंकि तो जैसे डिस्पोजल हो गए प्लास्टिक हो गए ये, सिरिंज हो गई ये आप एक बार ही यूज लेते हो और फेंक देते हो तो इससे क्या होता है संक्रमण नहीं होता जैसे कि आपके क्या होगा कोरोना वायरस जैसी जो संक्रमणकारी बीमारी है डेंगू है मलेरिया है टीबी है वो नहीं फैलते क्योंकि ये आपके संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को रोक देते क्योंकि एक ही बार यूज किए जाते हैं खास साथ साथ में इनका फायदा क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक का खाद्य अपशिष्टों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने में ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जो चीजें आपके खराब होती है जैसे कि आपने देखा होगा आजकल तो जमाना है स्विगी का स्विगी का जोमेटो का उबर ईट्स का तो इनमें जब स्विगी वगैरह के जो उत्पाद आते हैं तो उनमें जो भी खाना आपको प्लास्टिक के बर्तनों में पैक किया जाता है पॉलीथीन से कवर किया जाता है सब सिंगल यूज प्लास्टिक है क्योंकि वो आपके खाने को खराब होने से ज्यादा टाइम तक के लिए बचा लेगा खासकर तुमने देखा होगा जितने भी तुम्हारे बिस्किट के पैक हैं अंकल चिप्स के पैक है उसके अंदर की जो परत होती है वो सिल्वर कलर की होती है क्योंकि जो सिल्वर होता है वो कम मात्रा में हम उस सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा पाते हैं और सिल्वर आपके बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देता इसीलिए अंकल चिप्स या कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर सिल्वर कलर किया जाता है क्योंकि तो सिल्वर आपके बैक्टीरियाज के जन को रोक देता है तो इसीलिए आप खाने के अंदर भी सिल्वर फॉइल यूज करते हो कभी भी रेस्टोरेंट वाला जो तुम्हें पैक कर कर देता है वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है सिल्वर फॉइल होती है तो ये सारे हमारे इसके फायदे हैं इस वजह से हम यूज करते हैं इसे पर आपके नुकसान क्या है इन उत्पादों का उत्पाद आपका जो निपटान है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है क्योंकि ये सारे पदार्थ क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होते जैव निम्नीकरण नहीं होता आपने देखा होगा कि अगर लैंडस्लाइड्स में आपके मैदानों में अगर एक बार ये दब गए ये पदार्थ तो फिर आपके हमेशा आपके 300-400 साल तक भी आपके जैव निम्नीकरण नहीं होगा और फिर आपके पूरे खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचाएंगे खासकर गाय वगैरह अगर इनको खा लेती है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो इसीलिए आपके ये लैंडफिल में चले जाते हैं और हमारे भूमि के मृदा और जल दोनों को आपका जहरीला बना देते हैं क्योंकि ये आपके जहरीले रसायनकों को छोड़ते हैं और हमारे खाद्य श्रृंखला में आ जाएंगे और अगर एक बार खाद्य श्रृंखला में आ गए और आपके बायो एक्यूमुलेशन जैव संचयन हो गया तो फिर पूरी की पूरी आपकी पीढ़ी ही आपके रोगों से ग्रसित हो जाएगी और बायो मैग्निफिकेशन हो गया तो आपके काफ़ी सारे खाद्यान्नों को नुकसान पहुंचा देंगे तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका इसे बैन करना है तो सबसे पहले इनके उत्पादों को एकत्र कैसे किया जाए और फिर ऊर्जा और पुनर्नवीनीकरण में जैसे कि पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी है आपके टू एनर्जी जो बना रही है उसमें हम इसे यूज़ करें तो इसीलिए एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना ध्यान रखना आपके 2019 में स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में 2022 तक आपको खत्म करना है सबको गांधी जयंती पर स्टार्ट हुआ है तो 2 अक्टूबर याद रहेगा ही रहेगा चलो अब थोड़ी से ग्लोबल अवार्ड की बात कर ले यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड देखो जो हमारा मोमेंट फॉर चेंज है कि जलवायु का जो परिवर्तन है उससे आपके यू रोकने के लिए एक मुहिम चला रखी है मोमेंट फॉर चेंज उसके अंतर्गत आपके यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड हमने दिए हैं तो देखिए न्यूयॉर्क के अंदर आपके न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 की घोषणा की गई और इसे किसने प्रदान किया है यह आपके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की जो पहल है मोमेंट फॉर चेंज आपके यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की जो पहल है मूवमेंट फॉर चेंज उसके अंतर्गत ही इसे प्रदान किया गया है और यह इसका मेन काम क्या है इस पुरस्कार का जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों नवाचार लैंगिक समानता आर्थिक अवसरों को बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में भी कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आए हम कुछ नवाचार करें कुछ आपके अभिनव प्रयास करें तब कहीं जाके चीजें आपके सफल हो पाएंगी तो इसके अंदर आपके वर्ष 2019 में ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार आपके मोमेंट फॉर चेंज पहल के अंतर्गत आपके सह एक हिस्सा आपका क्या है सहायता दी है मोवमेंट फॉर चेंज में और एक और ऑर्गेनाइजेशन और है द रॉक फेलर फाउंडेशन रॉक फेलर फाउंडेशन के साथ में समर्थन के आधार पर ये चीजें किए गए हैं और ये जो पैनल है वो आपके डब्ल्यूफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच और जो आपके जलवायु संयुक्त राष्ट्र के जलवायु के कार्यान्वयन के लिए आपका जो पहला जेंडर एक्शन प्लान है और क्लाइमेट न्यूट्रल नाव के साथ साथ साझेदारी में किया गया है तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान विश्व आर्थिक मंच संयुक्त राष्ट्र का जलवायु कार्यावयन के लिए दो एक्शन प्लान है एक तो जेंडर एक्शन प्लान और दूसरा है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इन दोनों के साथ में साझेदारी में दिया गया है जेंडर एक्शन प्लान आपके महिला सशक्तिकरण की बात करेगा क्लाइमेट न्यूट्रल क्ला, आपके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात करेगा तो इस प्रकार से आपके अलग अलग फील्ड में ये आपके पुरस्कार दिए गए हैं जैसे कि आपका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है इसका प्लेनेटरी अर्थ कि आपका जो पूरे वायुमंडल है पूरी विश्व की जो जलवायु है उसकी हेल्थ को सुधारने के लिए क्या इनोवेटिव प्रयास किस संस्था ने किए तो जो जितना ज्यादा इनोवेटिव प्रयास करेगा उसको यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिल जाएगा तो इसके लिए इंपॉसिबल फूड आपके इंपॉसिबल फूड के लिए दिया गया सिंगापुर हांगकॉन्ग यूएसए मकाउ इनको आपके पुरस्कार मिला है इम्पॉसिबल फूड के लिए कि क्योंकि इन्होंने जो लोग मांस खाते हैं मांस खाएंगे तो जीव जंतुओं तो की मृत्यु होगी तो ऐसे ही कुछ पौधे विकसित किए इन्होंने कुछ ऐसे पौधों पर आपके कुछ ऐसे विकल्प बना लिए हैं जो आपको मांस जैसा टेस्ट भी देंगे और मांस जैसे आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट भी फूल पूरे करेंगे तो इन्होंने कुछ ऐसे इम्पोसिबल फूड्स बनाए आपके हांगकांग ने बनाया सिंगापुर ने बनाया अमेरिका के लोगों ने बना लिया मकाऊ के लोगों ने बना लिया कि जो मांस का एक विकल्प है तो मांस के लिए पॉस पौधे आधारित विकल्प को बनाया इसीलिए इस फूड इस को नाम इम्पॉसिबल फूड कहा गया जो कि है तो आपका पौधों से बना हुआ परंतु सारी रिक्वायरमेंट आपके मीट की मांस की पूरी करता है ऐसे ही दूसरी चीज आपके की आपके एलपी एंड फॉरेस्ट एलअपी एंड फॉरेस्ट कहां पर है? आपके चीन में पाया जाता है एलपी एंड फॉरेस्ट और इसके अंदर आपके जलवायु एक्शन को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया गया आपके एलएपी एंड फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसे डिजिटल चीटियों को छोड़ा गया चीन ने ऐसा काम किया कि कहाँ कहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्योंकि चीटी क्या है आपके सबसे पहले इनको पता लग जाता है कि अगर कोई भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्योंकि ये आपके एक एनवायरमेंट इंडिकेटर की तरह वर्क करती हैं तो कुछ ऐसे डिजिटल टेक्निक्स को हमने यूज़ किया यहाँ पर कि जो क्लाइमेट चेंज में जो भी क्रियाएँ हो रही हैं वो पता लग पाए तो इसीलिए आपका एलपी एंड फॉरेस्ट ऑफ चीन को ये अवार्ड दिया गया तीसरा अवार्ड मिला आपके गेंट एंड गार्डे को इन्होंने आपके स्थानीय खाद्य खाद्य नीति के माध्यम से कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए बेल्जियम में है ये आपके गेंट एंड गार्डे इन्होंने क्या किया स्थानीय लेवल पर ऐसे फूड की संरचनात्मक परिवर्तन किए जिससे फूड की, की खाद्य सुरक्षा को संरक्षित रखा जा सके तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था क्योंकि हमारे देश में भी खाद्य सुरक्षा की समस्या इसलिए नहीं है कि हमारे पास सही खाद्य नहीं है हम स्थानीय फूड को नहीं प्रेफर करते जैसे कि राजस्थान के लोग बाजरा मक्का इन सब चीज़ों को उतना नहीं खाते जिनके अंदर काफ़ी सारे पोषक तत्व भी हैं जबकि हम वही गेहूं चावल खाते हैं अब पूरा देश गेहूं चावल खाएगा तो कम पड़ेंगे ही ना तो इसीलिए स्थानीय फूड को प्रेफर किया गया इसीलिए आपके केरला में के अंदर भी एक सुपर फूड का कॉन्सेप्ट आया है कि वो सारे पोषक तत्वों को मिलाकर केरला आपके सुपर फूड बना रहा है और केरला ने ही एक और अच्छा मूवमेंट स्टार्ट किया है द राइट ईट मूवमेंट तो वो भी आपके इसी चीज को प्रमोट कर रहा है और आपके हमारे प्लेनेटरी अर्थ में इलेक्ट्रॉनिक सन्स फ्रंटियर को भी पुरस्कार मिला जो कि डोमिनिका का है तो इसमें स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन सौर ऊर्जा को प्रदान करने के लिए कि अगर बाई चांस लाइट वगैरह कहीं दूर दराज के क्षेत्र में नहीं है तो इमरजेंसी में सोलर लाइट प्रोवाइड की जा सकती है तो उस कॉन्सेप्ट पर आपके इलेक्ट्रॉनिक सन्स फ्रंटियर डोमिनिका को आपके प्लेनेटरी अर्थ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दूसरा अवार्ड हमारे किस श्रेणी में मिला है क्लाइमेट न्यूट्रल नाव की श्रेणी में क्लाइमेट न्यूट्रल नाव यानी कि जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसे कम करो उसे आपके संरक्षित रखो आपके न्यूट्रल रखो तो इसके लिए आपका पहला अवार्ड जाता है मैक्स बर्गर को क्योंकि मैक्स बर्गर ने क्या किया है स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क और पोलैंड में दुनिया का पहला क्लाइमेट पॉजिटिव मेन्यू बनाया है क्योंकि okay, देखो सिंपल सी बात है तुम लोग खाना बनाते हो तो सिंपल सी बात है आपके कुछ ना कुछ लकड़ी वकड़ी जलाओगे कोयले जलाओगे भट्टियां जलाओगे तो उससे कार्बन का उत्सर्जन होगा और फिर आपके कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होगा पर आपके पहली बार मैक्स बर्गर ने अपनी अलग अलग ब्रांचेज में स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क और पोलैंड में आपके बिना किसी कार्बन को उत्सर्जन करते हुए बल्कि कार्बन पॉजिटिव फूड बनाया है कि जिसको तुम बनाओगे तब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा कार्बन का संग्रहण होगा इसीलिए पुरस्कार आपके मैक्स बर्गर को दिया गया है दूसरा पुरस्कार गया है आपके नेचुरा के काफी सारे प्रोडक्ट्स खासकर के चॉकलेट्स वगैरह आपने खाई होंगी तो नेचुरा ने क्या है कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम को इन्वेंट किया है तो आपके कच्चे माल की निकासी से लेकर उनके वितरण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उत्सर्जन को मापने और कम करने के लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाया है कि जैसे कि नेचुरा के जो प्रोडक्ट्स आते हैं चॉकलेट्स आती है बहुत सारी चीजें आती है आपके नेचुरा की तो वो सारी चीजें इस कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया कि जो भी आपके प्रोडक्शन में आपके जहां कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है उसको नापा जाए उसको कम किया जाए उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया इसीलिए सेकंड प्राइस जाता है आपके नेचुरा के कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम को और आपके एप्पल कंपनी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा मैकबुक फोन वगैरह सब तो एप्पल ने क्या है उत्सर्जन में कमी से संबंधित एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें वह स्वच्छ ऊर्जा और अभिनव उत्पाद के ऐसे डिजाइन बना रहा है जिसमें कम से कम आपके हीट निकले कम से कम आपके उत्सर्जन हो तो एप्पल इस तरीके के काम कर रहा है कि जिसमें आपके मोबाइल बनाने हो लैपटॉप बनाना हो तो कम से कम आपके एनर्जी वेस्टेज हो तो इसीलिए आपके इसे पुरस्कार दिया गया है और फिर हमारे भारत का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्फोसिस इन्फोसिस का नाम सभी ने सुना होगा बेंगलोर हेडक्वार्टर जयपुर में भी हेडक्वार्टर है सब इस दिल्ली में भी है गुड़गांव में सभी जगह आपके इन्फोसिस की कंपनी का नाम सबने सुना होगा तो इन्फोसिस ने क्या किया है हमारे कार्बन तटस्थता प्रयास स्टार्ट किया है जर्नी टू कार्बन न्यूट्रलिटी इसमें आपके क्या किया गया है कि आपके स्थानीय लेवल पर कार्बन ऑफसेटिंग परियोजनाओं में निवेश करते हुए कार्बन तटस्थता दर्शाई है ये कैसे कैसे कार्बन का संग्रहण बढ़ाया जाए कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए तो इसके लिए एक परियोजना बनाई इन्फोसिस ने नाम है आपके कार्बन ऑफसेटिंग परियोजना जिसकी वजह से इसे यूएन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है तो यह पूछा जा सकता है कि भारत को भी आपके किस श्रेणी में अवार्ड मिला है क्लाइमेट न्यूट्रल नाव में अवार्ड मिला है किसको मिला है इन्फोसिस को मिला है किसके लिए मिला है कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट के लिए मिला है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा यह आपके पूछा जा सकता है अगला है आपका जैसे कि हमने कहा था जेंडर एक्शन प्लान तो आपका जो पहला जेंडर एक्शन प्लान है उसमें अवार्ड्स मिले हैं वुमन फॉर रिजल्ट के लिए तो देखो वुमन की बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था आपके क्योंकि तो सब सहारन अफ्रीका की कंट्री में जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंधित महिलाओं के को मार्गदर्शन करने के लिए एक अभियान बनाया गया ऐसी कृषि करें आपके सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जिसमें महिलाएं आपके क्या हो आपके जलवायु से स्मार्ट कृषि को कर पाए जलवायु स्मार्ट कृषि करें जहां पर जलवायु का ज्यादा आपके प्रॉब्लम ना हो जलवायु परिवर्तन ना हो क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है आपके झूम कृषि जैसी कई चीज़ें अपनाई जाती हैं कि आपके कृषि यहाँ कर ली क्योंकि आदिवासी और जनजाति बाहुल्य काफी है यहाँ कृषि कर ली पेड़ों को जला दो और फिर आगे चलो तो वो सब चीजें जलवायु को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं तो खासकर वहां पर महिलाओं का एक ग्रुप बनाया गया और उन्होंने जलवायु स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन दिया इसीलिए आपके युवा महिलाओं को कृषि मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया गया और इसीलिए इसको पहला अवार्ड मिला वुमन फॉर रिजल्ट्स में सेकंड अवार्ड जाता है आपके मदर्स आउट फ्रंट को मदर्स आउट फ्रंट कहां का है यूएसए का है इसमें आपके चौबीस हजार से अधिक माताओं द्वारा अपने बच्चों को रहने योग्य जलवायु के लिए आंदोलन किया गया क्योंकि क्या है आपने देखा होगा आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं हम हमारे बच्चे को साफ एयर नहीं दे पाते इसीलिए उनकी तबीयतें खराब होती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो यहाँ पर मदर्स आउट फ्रंट ने एक पूरा का पूरा एजिटेशन किया यूएसए में कि आंदोलन किया कि हमें हमारे बच्चों के लिए स्वच्छ जलवायु चाहिए तो उसके लिए प्रयास करो तो इस इस बेहतरीन प्रयास के लिए आपके मदर्स आउट फ्रंट को सेकेंड प्राइज मिला है वुमन्स फॉर रिजल्ट में फिर आपके दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए नेपाल बांग्लादेश भारत और नेपाल के अंदर आपके प्राइज मिला है क्योंकि इसके अंदर आपके जो कम आय के घर हैं उन महिलाओं को सशक्त बनाया गया ताकि वो वृक्षारोपण कर सके जलवायु को संरक्षित रख सके तो इसलिए आपके दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत और नेपाल को ये प्राइज जाता है ऐसे ही आपका इको वेव पावर का प्राइज जाता है आपके इसराइल और जिब्राइल जो कि आपके महासागर से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक विश्व की सबसे अग्रणी परियोजना को बना रहा है और उसके अंदर आपके एक महिला इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एक महिला इसकी सीईओ है है ना तो इसीलिए आपके इको वेब पावर कि पर्यावरण के लिए जो हमारी भूतापीय ऊर्जा है जियोथर्मल एनर्जी जो है जो आपके ओशन महासागरीय ऊर्जा है उससे आपके विश्व की सबसे अग्रणी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक महिला उसकी सीईओ है इसीलिए इको वेब पावर को ये पुरस्कार दिया गया जो कि आपके जिब्राल्टर इजराइल का है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा वुमन फॉर रिजल्ट और फिर आपके नेक्स्ट पुरस्कार है जलवायु अनुकूलन निवेश के लिए वित्त पोषण की कौन कौन आपके जलवायु को अडॉप्ट करने के लिए फंडिंग कर रहा है किसने ज्यादा फंडिंग की किसने ज्यादा पैसा दिया तो आपके है बियॉन्ड ग्रिड फंड ये आपके जेम्बिया का है इसने सस्ती ऑफ ग्रिड के लिए जो आपके ग्रिड के लिए सस्ती ऊर्जा है उसके लिए फंडिंग दी है बियॉन्ड ग्रिड फंड की ऐसे ही महिलाओं की आजीविका बॉन्ड श्रृंखला ये आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में दो मिलियन से ज्यादा महिलाओं के लिए डेढ़ सौ मिलियन आपके अमेरिकी डॉलर से ज्यादा ऑनलाइन लिंकिंग की गई है ऑन लिंकिंग की गई है ताकि महिलाओं को आपके आजीविका बॉन्ड मिले तो उसके लिए कार्य किया गया ऐसे ही क्यूबेक का अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग कार्यक्रम है कनाडा का जिसने आपके फंडिंग की है तो ये तीन पुरस्कार हैं जिन्हें फंडिंग के लिए पुरस्कार मिला तो इस तरीके से यूएन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड अवार्ड दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा इंडिया को दो अवार्ड मिले हैं एक तो आपके किस में मिला है हमारे दक्षिण एशिया के अंदर संयुक्त महिलाओं के प्रयास के लिए किया गया जिसमें बांग्लादेश भी है भारत भी है और नेपाल भी है और वैसे ही आपके दूसरा पुरस्कार किसके इंफोसिस को मिला है उसकी ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट के लिए कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट के लिए तो ये चीज ध्यान रखिएगा किस आधार पर मिलते हैं कौन देता है कैसे देता है कब दिया गया ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि इन पर में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये बड़ी बात है कि इंडिया को यूएन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला चलो अब नेक्स्ट फाल्कन आमुर फाल्कन तुमने जरूर पढ़ लिया होगा हमने पढ़ाया था आपको आमुर फाल्कन आज उसी श्रेणी के दूसरे एक वर्चर दूसरे फाल्कन की बात करते हैं नाम है शाहीन फाल्कन। तो देखिए शाहीन फाल्कन शाहीन फाल्कन को क्या कहते हैं इंडियन पेरेग्रीनस फाल्कन भी कहा जाता है इसको ये क्यों फेमस है क्योंकि तो ये क्या है बहुत स्टाइल से आपके शिकार करता है यूपीएस से पूछ सकता है कि शाहीन फाल्कन से संबंधित स्टूप क्या है स्टूप क्या है इसकी एक शिकार करने की नीति है स्टूप बहुत ज्यादा फेमस है इसका क्योंकि जब ये शिकार करता है तो बिल्कुल टारगेट को शिकार को ढंग से देखेगा और फिर गोता लगाते हुए मारता है जैसे कि आपके ऊपर गया और फिर नीचे एकदम से डाइव किया और फिर उसको मार गया तो इस स्टाइल को स्टूप कहा जाता है जो बहुत फेमस है इसका यह क्या है अपने शिकार की एक विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है और उस शैली का नाम है स्टूप क्योंकि इसके अंदर पक्षी तेज गति से गोता लगाते हुए अपने शिकार पर हमला करता है और अब देखो एकदम से ऊपर गया और फिर एकदम से गोता लगा के तेजी से आएगा तो फिर शिकार एक झटके में मर जाता है और इसी स्टाइल के लिए शाहीन फॉल्कन बहुत ज्यादा फेमस है और शाहीन फॉल्कन क्या है आपको अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाया जाता है बहुत फेमस है सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलेगा सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ दो है ना नहीं नहीं बाज नहीं होता ये ठीक है बाज नहीं होता हाँ पर बाज की एक फैमिली से ही बिलोंग करता है ये वल्चर फैमिली के अंदर ही आते हैं आपके जैसे फाल्कन भी वल्चर फैमिली है ये आपके एक तरीके से बाज टाइप का ही होता है तो आप कह सकते हो कि बाज जैसा ही होता है पर बाज एक बहुत कॉमन प्रजाति है जिसमें इन सभी को बाज कहा जाता है और बाज में से अलग अलग प्रकार के जो फालकन होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है ठीक है तो आप कह सकते हो कि सबको मिलाकर एक तरीके का ये बाज है जैसे कि तुम मूवीज में देखते हो दबंग मूवी के अंदर आपने इस प्रकार के बाज को देखा होगा मर्द मूवी में देखा होगा और भी बहुत पुरानी पुरानी मूवियों में ऐसे बाज काफ़ी यूज किए जाते थे है ना खासकर तुमने वो जीतेंद्र और जो उसकी मूवी है आपके धर्मेंद्र की उन सब में भी देखा होगा तो ये सारी चीजों में बहुत सारी इंडियन मूवीज में आपके इसको फॉल यूज किया गया है इसीलिए इसको इंडियन पैरिंग ग्रीनस कहा जाता है क्योंकि काफी इंडिया में ये मिल जाता है तो देखिए 20वीं शताब्दी के बीच में इनकी जनसंख्या में बहुत भारी गिरावट आ गई थी और इसके लिए आपके यहां देख सकते हो यूएसए में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस पक्षी की संख्या तो बहुत ज्यादा कम हो गई थी मेन रीजन क्या था आपके डीडीटी और जो अन्य रासायनिक कीटनाशक है उनकी वजह से इनकी संख्या बहुत कम हो गई क्योंकि ये क्या है ऐसे जीव जंतुओं को खा लेते हैं जिनके शरीर में डीडीटी डी टी डजन इसीलिए ध्यान रखो एक कन्वेंशन हुआ था तुम्हारा कौन सा कन्वेंशन था याद करो पहले भी बताया था स्टॉक कन्वेंशन है ना आपका एक कन्वेंशन था स्टॉक होम कन्वेंशन जो आपका स्टॉक होम अभिसमय था कब हुआ था कोई बता सकता है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है सारे अभिसमयों की शुरुआत इस पर हुई थी और आपके यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा स्टॉक होम कन्वेंशन के अंदर आपके बारह पॉल्यूटिंग पेस्टिसाइड से जिनको कहा जाता है ट्वेल्व पीओपी इन्हीं का एक फेमस नाम है डर्टी डजन बुरे बारह लोग तो जो आपके हैं उनके अंदर आपके आते हैं डीडीटी, डी टी क्लोरडेन उन सभी की वजह से उन सभी की कीटनाशकों की वजह से ये बेचारे शाहिन फाल्कन बहुत ज्यादा तेजी से मरने लग गए थे बिल्कुल सही 1972 में पहला कन्वेंशन था ये आपका स्टॉक होम कन्वेंशन जिसमें डर्टी को बैन किया गया था तो उन 12 पॉल्यूटिंग पौ। पेस्टिसाइड जो हैं आपके उसी वजह से इनकी संख्या कम हो रही थी तो मुख्य रूप से डीडीटी आपके नुकसान पहुंचाता था और बाकी 11 लोग और हैं जैसे कि आपके क्लोरबेजीन क्लोरडेन यूपीएससी पूछ चुका है आपसे कि डर्टी में बारह कौन कौन से हैं तो उसे देख लेना फ्यूरेन ये फिनॉल ये सारी चीजें आपके क्या है डर्टी ड में आती हैं तो फिर ये आपकी इनकी संख्या बहुत कम होने लग गई स्टॉक कन्वेंशन के लिए फिर स्टॉक कन्वेंशन में काम किया और अब इनकी जनसंख्या को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करने के लिए हमने कैप्टिव प्रजन प्रजनन के कार्यक्रम भी चला रखे हैं कि आपके सुरक्षित क्षेत्रों में रखा जाए और फिर इनका प्रजनन करवाया जाए तो इसीलिए आपके शाहीन फालकन ज्यादा न्यूज में रहते हैं और IUCN के अंदर अब इनकी संख्या पहले काफी कम हो गई थी पर अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे सभी कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे तो सिंपल सी बात है संकट ग्रस्त तो नहीं होगा क्योंकि इतनी सारी संख्या में है तो ये आपके सुभेद्य है क्या है ये आपका वलनरेबल है सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत ये आता है ये आपके वलनरेबल श्रेणी के अंतर्गत आता है सुभेद्य श्रेणी में आपका शाहीन फॉलकर आता है तो क्लियर है शाहीन फॉल्कन क्या है वर्नरेबल है अंटार्कटिका को छोड़ के सभी जगह मिलता है और आपके स्टूप के लिए फेमस है जो गोता लगा के अपना शिकार करता है जिस विधि को स्टूप कहा जाता है इसके लिए ये आपके फेमस हो जाता है चलो अब एक जहरीली आपके प्रवाल भित्ति की बात करते हैं पॉइजन फायर कोरल विश्व का सबसे ज्यादा जहरीला कोरल मिला है आपके क्योंकि आपके कई कई बार क्या होता है कि कुछ जीव जंतु आपके इस प्रकार के कोरल को खा लेते हैं तो फिर मर जाते हैं तो ये क्या है जैव विविधता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे जहरीला कोरल मिला है जिसका नाम है पॉइजन फायर कोरल क्या नाम है पॉइजन फायर कोरल इसका नाम है जो ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया है तो इसको नष्ट करना पड़ता है नहीं तो ये पूरी जैव विविधता को नष्ट कर देगा इस प्रकार का ये आपको दिखाई देता है तो इसका जो स्टार्टिंग हुई थी मूल स्थान था आपका जापान और कोरिया और अब आपके ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया में तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है ग्रेट बैरियर रीफ अगर ग्रेट कोर कोरियर बैरियर रीफ में अगर ये मिल गया तो वहां के सब जीव जंतु साफ कर देगा ये तो इसीलिए ये आपके जलवायु परिवर्तन के लिए एक बुरा संकेत है कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है साफ साफ इसे दर्शाता है तो पहली बार आपके जापान कोरिया कहाँ ऊपर रह गए और उससे हजारों मील दूर बाद आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में दिख रहा है तो ये डेफिनेटली आपके काफी ज्यादा भयानक बात है जो कि जलवायु के लिए नुकसानदायक है ये कवक चमकते लाल रंग के जहर उगलते हैं इसीलिए आपके देख सकते हो लाल रंग के होते हैं इनके पास जो भी जीव जंतु आएगा उसके ऊपर लाल रंग का जहर उगलेंगे और आपके उसे मार देंगे तो ये पेड़ अगर आप कवक आपके पेड़ों की जड़ों और मिट्टी में भी पाया जाता है तो यहां पर भी इसे आप देख सकते हो तो ये क्या है सबसे पहले आपके त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा और आपके इस कवक में आठ ऐसे यौगिक हैं जो त्वचा से को अवशोषित कर लेते हैं त्वचा पे पड़ा शरीर के अंदर जैसे ही त्वचा पर आपके टच भी हुआ तो आपके अंदर जहर अंदर आसानी से चला जाएगा तो एक स्पर्श भी अगर तुमने गलती से इस कवक को छू भी लिया किसी भी आदमी ने आपने भी छू लिया तो स्पर्श मार्च से त्वचा लाल रंग की हो जाएगी और साथ ही सूजन भी हो सकती है फिर आपके शरीर में आपके ये चला जाएगा ये रंग आपके चला जाएगा कोरिया में क्या है जापान और कोरिया में पारंपरिक चिकित्सा के इस्तेमाल में होने वाले खाद्य जो मशरूम है उसके बीच में आपके इस प्रकार की की चीजें देखी गई गई थी थी और कई लोगों इससे मृत्यु भी हो थी। तो आपने गलती से अगर इस कवक को छू लिया या फिर किसी ने आपसे टच भी कर दिया तो भी आपकी मृत्यु हो सकती है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा जहर होता है और त्वचा से टच करते ही सीधे शरीर के अंदर घुस जाएगा आपके तो इसीलिए एक प्रकार के बहुत ही बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी यूज में आ सकता है क्योंकि इसका जो केमिकल है जहर है वो बहुत ज्यादा जहरीला विश्व का सबसे जहरीला कवक है तो ऑब्वियसली आप जान सकते हो चलिए अगला पॉइंट है आज हमारा प्रकाश पोर्टल यूपीएससी पोस्ट तक पूछ सकता है आपसे कि प्रकाश पोर्टल क्या है तो देखो जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा नुकसान हमें करते हैं हमारे कोयला तापिया संयंत्र क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा आपके कार्बन उत्सर्जन होता है तो जो विद्युत संयंत्र है उसमें बहुत ज्यादा कोयला भी वेस्ट होता है तो उससे एनर्जी भी वेस्ट होती है और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा होता है और जलवायु पर नुकसान होता है तो इसीलिए हमने एक पोर्टल बनाया है जो कि विद्युत संयंत्रों ध्यान रखेंगे पावर प्लांट्स विद्युत संयंत्रों की कोयला आपूर्ति में सुधार करेगा तो आपके केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या और इससे निपटने के लिए प्रकाश पोर्टल बनाया है इसमें हम क्या करेंगे पोर्टल के अंदर आपके कोयला खानों की खानों में कोयला स्टॉक की मैपिंग की जाएगी और आपके हितधारकों को रेलवे रैक के आवागमन विद्युत संयंत्रों में कोयले की कितनी उपलब्धता है यह सब पता चलेगा और ताकि आपके कहां पर कितना कोयला है कहां से लेना है कितनी मात्रा में कहाँ खपत हो रही है कहीं काला बाजारी तो नहीं हो रही ढंग से उपयोग में आ रहा है नहीं आ रहा वो सब चीजें हम ढंग से प्रकाश पोर्टल में देख पाएंगे प्रकाश का मतलब है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमनी कि आपके जो कोयले को पहुंचाने वाली जो रेल है उनकी उपयुक्त तो उपलब्धता हो और सभी के अंदर आपके सही प्रकार से यूज किया जाए तो उसे आपके प्रकाश की कहा गया है तो मेन काम क्या है आपके विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत और कोयला और रेलवे मंत्रालयों के बीच में समन्वय किया जाए कि विद्युत विभाग रेलवे मंत्रालय और कोयला डिपार्टमेंट आपके ये तीनों क्या हो समन्वय करके काम किया जाए और आपके साफ साफ ये पिछले साल देखा गया कि हमारा जो कोयला का उत्पादन है लास्ट ईयर काफी घट गया था और उसी वजह से आपके काफी बारिश भी हुई थी लास्ट ईयर तो खनन कार्यों में भी बाधा हुई इससे ऊर्जा की उपलब्धता कम हो गई और आपके खासकर जो कोयला था फिर बुरी क्वालिटी के कोयले को यूज करना पड़ा तो फिर उससे जलवायु प्रदूषण भी आपके ज्यादा हो गया तो उन सभी चीजों को कम करने के लिए हमने ये लॉन्च किया है तो ध्यान रखेंगे सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि प्रकाश पोर्टल किससे संबंधित है क्योंकि यूपीएससी तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि प्रकाश पोर्टल आपका हमारी विद्युत ऊर्जा को एलईडी और सीएफएल के माध्यम से यूज करने से संबंधित है ताकि विद्युत खर्च कम हो दूसरा स्टेटमेंट यह दिया जा सकता है कि यह आपके प्रकाश पोर्टल सौर ऊर्जा के निर्माण और सौर ऊर्जा की प्राप्ति से संबंधित है तीसरा स्टेटमेंट यह दिया जा सकता है कि यह जो प्रकाश पोर्टल है वह आपके कोयले से संबंधित है जिसमें आपके विद्युत संयंत्रों में कोयला सही तरीके से यूज किया जाए चौथा नन ऑफ इनमें से कोई नहीं तो आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन तो ध्यान रखिएगा जो ऑप्शंस देता है ना यूपीएससी बहुत ऐसे सिमिलर से देता है कि प्रकाश के नाम से तुम तुक्का लगाओगे तो या तो सौर ऊर्जा पर अटक जाओगे नहीं तो सीएफएल में घूम जाओगे पर रीजन क्या है आपका कि संयंत्रों के अंदर कोयले का सुधार किया जाए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अब एक और ऐप बनाया है हमने क्या नाम है एम हरियाली दिल्ली के अंदर ये चीज़ें की गई हैं आपके दिल्ली में एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है जो कि 11 अक्टूबर 2019 को अप्लाई कर दिया गया नाम है एम हरियाली एम हरियाली जो ऐप है ये क्या करेगा आपके खासकर कहां कहां पर आपके जो सरकारी कॉलोनियां हैं उनमें वृक्षारोपण से संबंधित ऐप है ये आपके कि हरियाली से सभी जगह खुशहाली आए और आपके खासकर जो सरकारी एरिया है सरकारी जो कॉलोनीज हैं उनमें वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा आपके किया जाए तो ये जो आपके हैं वो आपके पेड़ पौधे लगाने के लिए पूरी फैसिलिटीज देता है अगर आपको अपने सरकारी कॉलोनी में या घर में कहीं पे भी पेड़ पौधे लगाने हैं ऐप को इंस्टॉल करो कौन कौन से पेड़ पौधे चाहिए जैसे तुम आपके अमेजन पे सामान खरीदते हो फ्लिपकार्टे खरीदते हो बिल्कुल वैसे ही पौधों को लिस्ट करो अपनी कार्ट में डालो घर बैठे तुम्हारे पौधे आ जाएंगे कैसे लगाना है क्या क्या आवश्यकता है वो सब वो बता के जाएगा आपको तो अपने ऑर्डर को यहां पर देख सकते हो तुम कौन कौन सा प्लांट तुम्हें चाहिए किस कलर का चाहिए कहां लगाना है क्या उसके लिए बीज की आवश्यकता है सब चीजें तुम वृक्षारोपण से संबंधित इस ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो तो दिल्ली में अगर तुम्हें अपने घर पर भी कोई ऐसा पेड़ पौधा लगाना है तो एम हरियाली ऐप इंस्टॉल कर लो और वहां से सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी तो ये काम कौन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इस एम हरियाली ऐप को रेगुलेट किया जा रहा है मेन उद्देश्य क्या है सरकारी कॉलोनियों के पर्यावरण को संरक्षित रखना लोगों को पौधे लगाने हो या इस तरह के अन्य हरित उपाय करने हो उनको मोटिवेट किया जाएगा घर बैठे पेड़ पौधे मिल जाएंगे इस ऐप का उपयोग बिल्कुल आम जनता अपने निजी घरों में भी कर सकती है और नोडल अधिकारियों के माध्यम से आपको सारी सूचनाएं भी मिल सकती हैं साथ साथ आपके पेड़ पौधे कहाँ पर हैं किस तरीके से वर्क कर रहे हैं कोई मुरझा तो नहीं रहा तो इन सभी के लिए जहाँ जहाँ पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं उन जगह के लिए हमने जियो टैगिंग भी की है क्या किया है हमने ऐप के द्वारा पौधों की स्वतः जियो टैगिंग भी की जा सकती है कि कहाँ कहाँ पेड़ पौधे हैं कितने कम हैं ज्यादा हैं वो भी हमें जियो टैगिंग के द्वारा पता लग जाएगा तो अब बात आती है आपके जियो टैगिंग क्या है तो चलिए देखिए जियो टैगिंग क्या होती है आपके जियो टैगिंग क्या है आपके मैटा डेटा के रूप में भौगोलिक जानकारी देती है कि आपके इस जियोग्राफिकल एरिया में इस प्रकार के पेड़ पौधे अच्छे उगेंगे और अभी यहां पर इतने पेड़ पौधे कम है तो वो पूरा जो डेटा होता है वो हम जियो टैगिंग के द्वारा देख सकते हैं तो विभिन्न प्रकार की मीडिया से इसे जोड़ दिया जाता है मैटा डेटा आमतौर पर अक्षांश और देशांतर के क्या होते हैं निर्देशांक होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है इतनी ऊंचाई है ऐसी जमीन है ये पेड़ पौधा अच्छा रहेगा तो उससे हमें देख कौन ऊंचाई दूरी स्थान का नाम सब पता लग

आपके वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई पी जी सी डॉट जी ओ वी डॉट इन यहां पर जाओ और आप कार्य कर सकते हो तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके किए जा रही हैं तो ध्यान रखिएगा एम हरियाली हब क्या है घर बैठे तुम्हारे पौधे आएंगे लगाएंगे सारे काम घर बैठे हो जाएंगे तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही करते हैं एम हरियाली हब के साथ खत्म करते हैं पीडीएफ आपको रात को मिल जाएगी सारी कल की भी और आज की भी पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ के लिए ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना होगा एट द रेट अनएकेडमी एस के शर्मा को यहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा जस्ट ज्वाइन इट अनकेडमी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी इशू हो कोई भी क्वेरी हो जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर और जाते जाते सभी लाइक और शेयर जरूर कर कर जाइए और सब्सक्राइब करते वक्त एस एस लाइव रेफरल कोड को यूज करो कंप्लीट करंट अफेयर सभी विषयों को आप एस एस लाइव रेफरल कोड के माध्यम से अन अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हो तो ओके बाय गा, बाय गाइस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर लिसनिंग मी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू